हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स एडुकेशन सेंटर रांची। सो आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, फर्स्ट प्रॉपर सेशन, फर्स्ट प्रॉपर क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन कि निगाह चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, पर इस दिल का आलम तुम्हें क्या बताए, नसीब में लिखा है इंतज़ार करना। तो अब हम लोग ना नसीब के भरोसे आप बैठ सकते हो, ना हम लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं बैठ सकते। आपका एग्ज़ामिनेशन तो होगा, ये श्योर एंड शॉर्ट है कि आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसा शेड्यूल तैयार किया है, जहाँ पर हम लोगों ने एक ऐप को तैयार किया है, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर शेड्यूल में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएंगी। आपको रूटीन भी बता दिया जाएगा कि किस टाइम, किस डे कौन सा वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ये सारी वीडियोस आपको, सारा रूटीन, टाइम शेड्यूल, सारा चीज़ आपको पता रहेगा और पहले से आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर लिया जाएगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का फंडा क्या था, इसको क्यों डेवलप किया गया था, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के थ्रू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या, जो ये इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल और कुछ कॉन्स्टेंट यूज़ किया जाता है, तो उन इक्वेशन में कुछ ऐसा इक्वेशन को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जाए, इसका मेन कंसेप्ट या इसको इजी बनाने के लिए, इसका वैल्यू को निकालने का कंसेप्ट हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में सीखते हैं थ्रू इजी वे। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बट और लंबा, चार वेरिएबल यूज़ कर दिया गया, पाँच वेरिएबल यूज़ किया गया, तो यहाँ पर एक प्रॉपर वे है। अगर आप उस वे को फॉलो करोगे तो एकदम ईजी वे में आप उस वैल्यू को निकाल लोगे। तो सबसे मेन फंडा था इसके पीछे, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे, इस चैप्टर के पीछे, कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाए इजी वे में, ठीक है ना। तो अब हमने आपको ये भी बताया था कि क्यों हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लान है, ये वो प्लान ये है कि आप थोड़ा सा जिस चैप्टर में, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, कुछ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, तो इस चैप्टर में मेन फंडा क्या है, ये आपको प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना ज़्यादा और जो भी एफर्ट आप करोगे अभी आपको करना है। अगर अभी आप सही से एफर्ट कर पाएंगे तो वो आपका फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि बाद में यही नंबर्स में डिफरेंस लाता है। 90 तक तो सारा लोग श्योर एंड शॉर्ट होता है, बट जब 10 नंबर का बात आता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बात आता है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर वे में प्रैक्टिस किया हुआ होता है वही आंसर लिख पाते हैं और उन्हीं को नंबर मिलते हैं। तो हम लोग पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जिसमें प्रैक्टिस का थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड हो, उसको एकदम क्लियर करके साइड रख देना कि भाई साहब, हम तुमको अब सिर्फ बीच बीच में रिवाइज करने वाले हैं, तुमको हमने कर लिया जितना हमें, हमारे को मेहनत करना था। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोस को, कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग मैट्रिक्स में समझेंगे वो है डिकोडिंग ऑफ मैट्रिक्स। डिकोडिंग बोलने का मतलब क्या, कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया तो आपके माइंड में तुरंत दो तीन बातों का आपको तुरंत समझना है, दो तीन बात आपके माइंड में तुरंत कंक्लूड होना चाहिए कि अरे ये मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसका मतलब ये है, इसका फंडा क्या है, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले आज, और ये एकदम बेसिक है, ये जो डिकोडिंग ऑफ मैट्रिक्स है और फिर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, वन ऑफ द बेसिक सेशन आज जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और यही बेसिक आपका सबसे लास्ट तक वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिकोड करेंगे मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, उसको अच्छे वे में समझेंगे कि मैट्रिक्स जैसे ही लिखा गया तो दो तीन बात एकदम अपने माइंड में तुरंत आना चाहिए कि मैट्रिक्स है तो इसका ये है, इसका ये कॉलम है, इतना, ये सारी चीज़ों को आपको माइंड में तुरंत कैलकुलेट हो जाना चाहिए। फिर है, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स को फॉर्म करना, सीखेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स खुद से तैयार किया जाए,
अगर कुछ पैटर्न दिया गया है तो उस पैटर्न के बेसिस पे एक मैट्रिक्स को कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन बोलने का मतलब दो अलग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, क्या ये सारा कंसेप्ट हम लोग ऑपरेशन के अंदर सीखेंगे कि अगर दो अलग मैट्रिक्स दिया है तो उसको ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवीजन का क्या फंडा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑपरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज समझेंगे, ट्रांसपोज होता क्या है, तो वो भी बहुत ही ईजी कंसेप्ट है आपको। हम लोग ऑपरेशन, जब हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे मैट्रिक्स का, ऑपरेशन बोलने का मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसको समझ जाएंगे फिर कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज, इनवर्स, इन सभी का फंडा आप समझ पाओगे। क्लियर है। फिर ट्रांसपोज के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोलने का मतलब क्या, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स बोलने का मतलब क्या, कैसे इनवर्स निकालते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट को डेवलप किया गया था, कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें और वैल्यू निकालें वेरिएबल्स का, ये सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और एकदम श्योर रहना है कि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इन सभी के बीच में कभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा हम लोगों का टॉपिक होने जा रहा है मैट्रिक्स के अंदर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक जो है डिकोडिंग ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स है क्या, ये मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, और हमारे माइंड में दो तीन बातें, मैट्रिक्स जैसे ही लिखा जाए या कुछ भी उसका हिंट दिया जाए तो अपने माइंड में क्या दो तीन बातें तुरंत आनी चाहिए, उसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स कुछ नया चीज नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, जिसको आप एलिमेंट यहाँ पे बोलोगे। तो एक एरे दिया जाता है और इसके अंदर कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ नंबर्स को डाला जाता है। सपोज करिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये एक मैट्रिक्स हमारा तैयार है। इस मैट्रिक्स में दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, इसको बोला गया ए रे, और इन सभी नंबर्स को जो कि बेसिक पार्ट है, एकदम ध्यान से देखिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आप नंबर्स को सही वे में लिखोगे नहीं तो मैट्रिक्स हमारा तैयार नहीं होगा। आप मतलब समझ सकते हो, ये वीकनेस है। मैट्रिक्स बोलने का मतलब एलिमेंट, सारा चीज एलिमेंट उसके अंदर नहीं जाएगा। हम लोग अगर उसको सही तरीके से रखेंगे नहीं, उसको प्लेस नहीं करेंगे, तो मैट्रिक्स बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही हम लोग बोले मैट्रिक्स बोले तो आपको तुरंत समझना है, मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट एलिमेंट। मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट, कि वहाँ पे कुछ एरे होगा, एरे बोलने का मतलब कुछ ऐसा सिंबल होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। अब ये सिंबल भी यूज़ किया जाता है, और कभी कभी आपको बुक में कुछ ऐसा सिंबल भी यूज़ किया हुआ मिलेगा। तो मेन इन दोनों सिंबल्स को बोला जाता है एरे। तो एरे के अंदर नंबर्स के या फिर एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, या जब हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो तैयार होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब हम लोग एरे समझ गए, एलिमेंट समझ गए, तो यहाँ से सिर्फ आपको एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको माइंड में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, वो है एलिमेंट। मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, एलिमेंट। हमने आपको मैट्रिक्स को ही दिया तो आपको सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए मैट्रिक्स, वहाँ का एलिमेंट क्या क्या है उस पर आपको ध्यान जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अभी ये सारा तो एलिमेंट हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका एलिमेंट हमारा क्या क्या है, तो
हमारा एलिमेंट इस मैट्रिक्स का है 1, 2, 3, 4 जो कि इस रे एरे के अंदर डाला गया है या इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात समझिए, ये जो एलिमेंट यहाँ पे रखा गया है, प्लेस किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, उसका भी एक पैटर्न होता है। आप जैसे कि आप क्या करते हो कि निकनेम आप देते हो किसी का, और जब आप उस निकनेम को रिपीट करते हो, आप जब मीन्स आप सपोज कीजिए कि आपने 10th क्लास कहीं पे आप किसी और स्कूल में आपने किया, फिर आप 11th 12th में कहीं और आपने एडमिशन लिया, तो आप सारे का वहाँ पे निकनेम रखते हो, और जैसे ही वो निकनेम रिपीट करता है तो फिर उसका नाम ओरिजिनल क्या है ये फंडा आपको याद नहीं रखता। तो अब आपको क्या समझना है, मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट, और एलिमेंट भी एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रखा जाता है एरे के अंदर। वो तरीका क्या है, तो एलिमेंट को रखा जाता है रो के और कॉलम के, इन दोनों के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों क्या है, 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट है, यहाँ तक तो सारा बात क्लियर था, यहाँ तक तो मज़ा भी आ गया, लेकिन अब ये रो और कॉलम का कंसेप्ट क्या है। तो अब क्या किया कि मैथमेटिशियन जो लोग थे उनको मज़ा नहीं आ रहा था, उन्होंने क्या किया कि बोला एलिमेंट बोल के कोई फायदा नहीं, चलो कुछ और नया चीज़ बढ़ाते हैं इसमें, कुछ नया चीज़ बताते हैं। तो उन्होंने रो और कॉलम के कंसेप्ट को डेवलप किया। उन्होंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने भी एक एलिमेंट आ रहे हैं वो उनको एक रो का नाम दे दिया उन्होंने। ये बोले ये एक पहला रो हो गया इस मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो, और दूसरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को या दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें हमारा एलिमेंट आ रहा है उन्होंने कहा ये हमारा सेकेंड रो हो गया, इसी को बोलते हैं रो। रो क्या हो गया, तो रो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस वे में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो एक रो का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या किया गया, अब कंसेप्ट दिया गया कॉलम का। कॉलम क्या होता है, तो कॉलम होता है वर्टिकल एक्सिस, लंबा वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो भी आ गया उसको रो बोला जाएगा, और वर्टिकल क्या हो गया हमारा, लंबा वाला, तो इस डायरेक्शन में जो भी आएगा वो एक कॉलम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेकेंड कॉलम। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बात। अब फिर से एक बार समअप करते हैं अभी तक जो भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब उसमें एलिमेंट को रखा जाता है, तो जैसे ही आपको कोई मैट्रिक्स दिखा तो सबसे पहले आपको ध्यान जाना चाहिए कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर जो भी होंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब एलिमेंट के बाद आपको और थोड़ा सा सोचना है कि अरे ये एलिमेंट जो है यहाँ पे कैसे प्लेस किया गया होगा, तो वो प्लेस किया गया होगा रो और कॉलम के हेल्प के थ्रू। तो अब कितना रो है, खुद से अपने आप से पूछना है कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, कितना कॉलम है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये हुआ फर्स्ट रो हमारा, ये हुआ हमारा सेकेंड रो, ये हुआ फर्स्ट कॉलम, ये हुआ हमारा सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, इस मैट्रिक्स में हमारा 2 रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, क्लियर है। जल्दी से आपको इसी पे सबसे पहले वर्क करना है, यही बेसिक है, अगर आप ये समझ गए तो फिर एकदम मजा आया, कोई टेंशन नहीं है उसके बाद। तो देखिए एक और हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसा, यहाँ कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट के रूप में। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये एक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरे और एरे है और इसके अंदर में कुछ नंबर्स हैं या कुछ भी हैं,
अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को बताइए कि इस मैट्रिक्स में क्या कौन कौन एलिमेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे एलिमेंट हमारा क्या है, 1, 4, 5, 2, 7, 8, 3, 9, 10, ये सारे क्या हैं, तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। क्लियर है, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट हैं। अब मेरे को मन नहीं लगा, मैंने आपसे और पूछा कि नहीं हमको संतुष्टि नहीं है, आप मेरे को और एक क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पे कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो अब रो को आप कैसे पहचानोगे, मैंने क्या बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखना है एकदम समांतर, ये वाला, ये एक रो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ध्यान से समझना, ये हमारा सेकेंड रो हो गया और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड रो, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ रो हमारा कितना है, 3 है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम अब देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को मैंने क्या बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम बोलने का मतलब क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको चेक करना है जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कितने कॉलम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। तो यहां पे टोटल कॉलम कितना है हमारा, 3 है। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिकोड करना सिखाता हूं, मेरे को बताइए अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है। तो अब आप देखिए, फर्स्ट रो बोलने का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स 1, 4, 5, ये हमारा हुआ फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट को रखा गया है या प्लेस किया गया है। अब मैं आपसे पूछूंगा सेकेंड रो का एलिमेंट बताइएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है, तो 2, 7, 8। थर्ड रो का एलिमेंट बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, 3, 9, 10 इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। क्लियर है, तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि रो आपको और अच्छे से क्लियर हुआ हो। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम का हमारा एलिमेंट क्या हुआ, 1, 2, 3। सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 4, 7, 9। थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5, 8, 10। तो मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि यही मेन फंडा है, अगर आप इसको समझ गए तो आप अभी फिर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ जाइएगा और उसको समझ गए तो पूरे मैट्रिक्स एकदम क्लियर हो जाना है आपका, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार इसका ऑर्डर बता दीजिए। अब ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा वो समझिए। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ही आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर बोलने का मतलब कुछ नहीं होता, ऑर्डर बोलने का मतलब कि भाई साहब उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम से मिलके वो मैट्रिक्स बना हुआ है वो बताइए। तो आप क्या, जैसे कि अगर हम इसका ऑर्डर पूछे आपसे तो आप क्या बोलिएगा, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, दो रो है और दो कॉलम है और हमेशा सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आपको नंबर ऑफ रो बताना है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर बताते समय, फिर आपको नंबर ऑफ कॉलम बताना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2। अब आप जल्दी से बता दीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है।
अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और आपको तुरंत बताना है कि इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं और इसका ऑर्डर क्या है। एकदम तीनों चीज आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और आपको क्वेश्चन का एकदम टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सारा लिखा जाएगा और सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का मीन्स प्रयास किया जाएगा कि जितनी जल्दी हो पाए आपको सारा क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाए, जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, सपोज कीजिए 1 2 3 3 1 4। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया 1 2 2 1। अब तीन बात आपको ध्यान रखना, अब यही डिकोडिंग था, तीन बात आपको जो याद रखना है। सबसे पहला बात, आपको एलिमेंट पे ध्यान जाना चाहिए। एलिमेंट मतलब यहाँ का एलिमेंट क्या क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, 1 2 2 3 3 5। अब आपने जब एलिमेंट को बता दिया तो अब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑर्डर क्या है। तो ध्यान से देखिए, इस रो में कितने सॉरी इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल का पहला रो हो गया, ये हमारा दूसरा रो हो गया और ये हमारा तीसरा रो हो गया। तो आप बोलिएगा इसमें तीन रो हैं। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें कॉलम कितना है, तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस में आने वाला। तो 1 2 3 ये पार्ट हो गया फर्स्ट कॉलम का, 2 3 5 ये पार्ट हो गया सेकेंड कॉलम का। तो इसमें कॉलम कितने हैं, तो दो कॉलम है। अब फिर मैं आपसे थोड़ा सा होशियार बनने के लिए, कोई पूछ देगा आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप ऑर्डर, आपको ऑर्डर बोलने का मतलब कुछ नहीं, ऑर्डर बोलने का मतलब सिंपल वर्ड में नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं ये बताइए। तो अब आप क्या बोलिएगा कि इसमें तीन रो है और दो रो है, सॉरी दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 into 2। अब जल्दी से इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का ये सारा आंसर आप बनाइए, आप लिखिएगा कॉपी में और हर एक एक प्रॉपर वे में आपका कॉपी होना चाहिए, सारा क्वेश्चन उसमें लिखा होना चाहिए। तो इस ये तीन चीज़ सेम टू सेम इसमें भी आपको लिखना है और इसमें भी लिखना है। आई होप आप लिख पाएंगे, और अगर कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए डाउट के सेशन अरेंज किया गया है, लाइव क्लासेस का भी आपको आपके लिए अरेंज किया गया है, जहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ आपको पूरा फोकस करना है और जो बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो आपको तुरंत पूछना है। क्लियर है, आपको नंबर सारा चीज़ प्रोवाइड किया गया, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डाउट है फिर आप मैसेज भी कर सकते हो, सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सारी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाया गया। चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट बस एक कंसेप्ट समझ लीजिए, वरना उसके बिना आज का पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं बचेगा। अब है जैसे कि मैंने एक कोई मैट्रिक्स ए लिखा जिसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये इसके एलिमेंट क्या क्या है, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि इसका इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब थोड़ा सा ये सबसे नाम थोड़ा सा अजीब है, बट आप बताइए इसमें कितना रो है, सबसे पहले ये आप बता दीजिए। तो इसमें आप बोलिएगा ये हुआ फर्स्ट रो, ये हुआ सेकेंड रो, ये हुआ थर्ड रो, तो इसमें टोटल तीन रो है। फिर मैं पूछूंगा कि इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, तो आप बताइएगा इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, ये हो गया फर्स्ट कॉलम,
ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, तो इसमें टोटल कॉलम भी 3 है। अब समझिए, हर एक का एक रियल आइडेंटिटी होता है। रियल आइडेंटिटी बोलने का मतलब क्या, कि रियल आइडेंटिटी मतलब कुछ ऐसा जिससे वो तुरंत आपको समझ में आ जाए, उसके नाम का जरूरत नहीं पड़े। तो आपने जो निकनेम का मैंने एग्जांपल दिया, तो उस समय आपको नाम का जरूरत नहीं पड़ता है, तुरंत आप उस निकनेम को बोलते हो और आपके माइंड में वो फिगर सेट हो जाता है जिसका वो निकनेम आपने रखा है। तो इसी तरह ये जो एलिमेंट है इसका कुछ निकनेम होता है मैट्रिक्स में। निकनेम किस फॉर्म में होता है, तो निकनेम इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स रो और कॉलम के फॉर्म में हर एक का रियल आइडेंटिटी होता है, हर एक एलिमेंट का एक अपना आइडेंटिटी होता है। तो सबसे पहले अभी समझेंगे हम लोग कि हर एक एलिमेंट का रियल आइडेंटिटी रो और कॉलम में बोलने का मतलब क्या। तो अब ध्यान से समझिए आप, ये क्या हुआ, ये हमारा है फर्स्ट रो, ये हमारा है सेकेंड रो, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है थर्ड रो। तो हमने जैसे ही आपसे पूछा, भाई साहब मेरे को ये जो वन एलिमेंट है इसका रियल आइडेंटिटी आप बता दो, तो आप वन तुरंत आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, इस वन का रो कितना है, ये किस रो में आ रहा है, तो आंसर क्या है, फर्स्ट रो में आ रहा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये किस कॉलम में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये फर्स्ट कॉलम में आ गया। तो अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट को हमने ए के फॉर्म में लिखा है, तो ये जो ए है इसका अगर ऐसे कुछ पूछा जाए, ये हुआ क्या, इसका मतलब कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे ही बोला गया कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले मैट्रिक्स तुरंत हाजिर हो, तो वहाँ से कौन आएगा, वहाँ से वन आएगा। तो वन का रियल आइडेंटिटी क्या है, वन का रियल आइडेंटिटी है ए वन वन। यहाँ पे पहला वन क्या बता रहा है, पहला वन बता रहा है नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट एलिमेंट, वो जिस रो में है वो बता रहा है। ये दूसरा वन क्या बता रहा है, ये दूसरा वन बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम, वो किस कॉलम में है। क्लियर है, अब जल्दी से बता दीजिए फोर का रो क्या है, फोर का रियल आइडेंटिटी क्या है। तो फोर का रियल आइडेंटिटी, तो रियल आइडेंटिटी बोलने का मतलब क्या, वो किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। वो किस रो में आ रहा है, तो फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है। इस बार आप कॉलम क्या है, तो ये सेकेंड कॉलम है। तो इसका रियल आइडेंटिटी क्या हो गया, ए वन टू, या सिंपल भाषा में किस रो और किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। इसी तरह सेवन का रियल आइडेंटिटी क्या है, अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट को एक जनरल फॉर्म ए दे दिया गया है, तो ए के बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको बताएगा कि वो है क्या। तो वहां पे आपको देखना है कि सेवन किस रो में आ रहा है, खुद से एक क्वेश्चन पूछना है। तो आप देखोगे सेवन फर्स्ट रो में आ रहा है, तो यहाँ वन लिख देना। फिर आपसे पूछना है किस कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ थ्री लिख देना। उसी तरह 258 का रियल आइडेंटिटी आप लोग लिखिए एंड 369 का मैं आपको रियल आइडेंटिटी अभी बता देता हूँ। थ्री का रियल आइडेंटिटी क्या है, तो सबसे पहले रियल आइडेंटिटी बोलने का मतलब ही क्या, कि थ्री का रो चेक करना है, ये थर्ड रो में आ रहा है, तो कोई ए मैट्रिक्स से थर्ड रो का पार्ट है, और किस कॉलम का पार्ट है, तो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। उसी तरह ये सिक्स किस रो और किस कॉलम के पार्ट है, तो ये ए मैट्रिक्स के थर्ड रो बट सेकेंड कॉलम के पार्ट है। नाइन किसका पार्ट है, तो ये कोई एक ए मैट्रिक्स का थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के पार्ट है। क्लियर है, तो रियल आइडेंटिटी निकालना इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो अब बताइए, अगर कुछ मैं इनडायरेक्टली आपको ऐसा दे दूं, तो आपको ये समझना है कि अगर ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x3, तो सबसे पहले माइंड में आपको सेट करना है इसमें 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा। तो सबसे पहले कुछ आपको ऐसे लिख देना, अब 3 रो है, 3 कॉलम है। अब सपोज करिए मेरे को ए मैट्रिक्स बनाना है, तो ए मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। तो सबसे पहले आप सिंबॉलिकली यहाँ पे सारा का रियल आइडेंटिटी लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, खुद से पूछना है, ये किस रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है A1, किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, A11 हो गया, A12 इसी तरीके से, A13 थर्ड कॉलम में आ रहा है, A21 ये किस में आ रहा है, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये रियल आइडेंटिटी आपको निकालने आना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और जल्दी से एक बार सम अप कर देते हैं, क्या हमने आज सीखा, क्या हमने पढ़ा। तो आपको मैट्रिक्स से तुरंत समझना है क्या, सबसे पहले कितना रो है, कितना कॉलम है, उसके बाद क्या समझना है, उसका रियल आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का रियल आइडेंटिटी निकालना है। रियल आइडेंटिटी बोलने का मतलब क्या, किस रो और किस कॉलम का पार्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप ये निकालिएगा जो भी होमवर्क आपको दिया जाए वो आपको करना है, क्लियर है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया, एक ऐप लॉन्च किया गया है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके, जहाँ पे आपको वीडियोज एकदम रेगुलर वे में एक जो रूटीन सेटअप किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जो भी समस्या है आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।